गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है। गाजियाबाद के केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। ये कंपनी कविनगर थाना क्षेत्र के बुलंदशहर इंडस्ट्रियल एरिया में है। मौके पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां पहुंची हुई हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। फैक्ट्री में केमिकल्स के ड्रम रखे हैं जो धमाके के साथ फट रहे हैं और एक के बाद एक लगातार धमाके हो रहे हैं, जिसकी वजह से दमकल विभाग को आग पर काबू पाने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आग इतनी ज्यादा भयानक है कि दूर तक धुआं नजर आ रहा है, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ धुआं दिखाई दे रहा है। दमकल की 10 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं। फिलहाल आग पर काबू नहीं पाया गया है। दमकल विभाग का कहना है कि यहां केमिकल से भरे ड्रम रखे हैं और उनमें लगातार धमाके हो रहे हैं, इसकी वजह से आग बुझाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि आग किन कारणों से लगी इसका अभी कुछ पता नहीं चल पाया है। इसके साथ ही गनीमत रही कि अभी जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। फिलहाल अपडेट यही है कि केमिकल के जो ड्रम रखे हुए हैं उनमें लगातार धमाके हो रहे हैं, जिसकी वजह से आग बुझाने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है और आग लगातार फैलती हुई नजर आ रही है।